से चला रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड यस फिर हुआ हमारा पितर ऋण, जिनकी वजह से हमें ये शरीर मिला है। यस और फिर हुआ ऋषि ऋण, जिन्होंने इतना ज्ञान हमें दिया है, जो जितना सीखा जाए वो जिंदगियां ही कम है हमारे लिए। वेरी गुड वेरी ब्यूटीफुली एंड व्हाट एवर जो मैं भाषा यूज करता हूँ वो गीता तुमने करी। आई एम वेरी हैप्पी। गीता वीडियो ओपन करना आपका, क्या बात है? हाँ जी, आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं? एक मिनट गुरु जी, करती हूँ। गीता देखो कितना अच्छा जवाब दे, जो मैं मेरी भाषा में था द सेम ने जस्ट गिव अ स्मॉल क्लेप फॉर हर, है ना? हाउ ब्यूटीफुल शी से। बट रीतम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। द थ्री जो तीन ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब मैं आपको कहूंगा पितृ ऋण बांधने क्यों आया। देखिए आपके शरीर की श्वास चलाने वाले प्रभु परम पिता परमेश्वर, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई महाकाल, कोई साईं बाबा, कोई कृष्ण भगवान, कोई विष्णु भगवान, अलग अलग डिपार्टमेंट, बट ओवरऑल फाइनली वन इज ऑपरेटिंग विद ब्लड। तो श्वास धड़कन तो हमारी मां के गर्भ में ही चालू हो गई थी, है ना? तो देव ऋण पहला हमारे उन सब लोगों के, ऋषि ऋण मतलब जो भी वेदों का ज्ञान हमें मिला है, वो भले आयुर्वेद हो, वो भले ज्योतिष हो, या कोई भी प्रकार का वेदों में जिस प्रकार पूजन पाठ करके जो ज्ञान मिला है, वह ज्ञान को लेकर ही हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, हमारी व्यवसायिक उन्नति करते हैं। उपनिषद एक छोटा सा आपने पढ़ा, भगवद गीता का जिसका हमने दिया, तो हमारा उनके प्रति भी कर्तव्य है कि एक ऋषि ऋण, जितने भी ऋषि इस धरती पे हुए और जितने भी ज्ञान दिया है अभी तक उन सब। और थर्ड द मेन, हमारे जिनसे हमें शरीर मिला, तो शरीर मिला हमें हमारे पूर्वजों से, और ज्ञान मिला हमें हमारे ऋषियों से, वेदों से, और ये श्वास संचालन मिला, ये मिला देवों से। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट थ्री टाइप ऑफ डेथ। वन इज डिवाइन डेथ। Divine means the God, a particle who's operating your breath and operating the soul, are situated in the soul. And second, Rishi Rin, who offer the beautiful knowledge after long their dedication, devotion for the upcoming generations. And third is our ancestor death, ancestor blessing. We've got a body, five element body, with the help of our parents. So, इसी प्रकार हम जब यज्ञोपवीत कहते हैं तो भी तीन धागे रहते हैं। तो आज हम जब भी करेंगे, अब कल मैं आपको तर्पण ध्यान कराऊंगा, उसमें हम भले ही नहीं करें लेकिन हम ये सभी देवताओं के बड़े तीनों चीजों को कनेक्ट कनेक्ट करेंगे। ओके, गॉट इट? कल एक और स्थान पर जाएंगे नंबर वन, और आज हमने जितनी सरलता से, आई एम वेरी हैप्पी विद द गीता, सो ब्यूटीफुली शी एक्सप्लेन, एंड आप सब लोगों में वह ज्ञान है, आप सबको मालूम होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी आगे प्रश्न पूछे। गुरु जी मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, बट डोंट कीप एन क्वेश्चन इन योर माइंड। आपको ऐसा लगता है सबके सामने नहीं पूछता, फोन करो मुझे, बताओ, आई विल एक्सप्लेन। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये मत सोचो मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूं। डोंट फील लाइक दिस इफ यू आर सेइंग गुरु टू मी, डोंट थिंक माय गॉड गुरु जी सो बिजी, सो ऑक्यूपाइड, सो नो, इट इज जस्ट योर एक्सक्यूज। व्हेनेवर यू फील गुरु मींस अगेन सेइंग मदर, फादर, ब्रदर्स, फ्रेंड, इन चारों से बात करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। जब उठा के लगा दिया फोन, तो अगर आप मुझे गुरु कहते हैं तो मेरा फोन नंबर 24/7 आपके लिए तैयार है, along with all four relation, एक माता के रूप में, पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, और एक सखा के रूप में आपके साथ। मेरा तो आज आपको बोलने का इस मंच से एक और बात बोलो कि अपने माता पिता को भी कोई अपना तनाव बताने से पहले आप मेरे को बोलो,
यार गुरु जी आज बहुत तनाव में हो, टेंशन हो सकता मैं आपका काम कर दूं, ताकि आपके माता पिता और तनाव में नहीं है, आपको परेशान समझे। फॉर एग्जाम्पल टीन आई है, फॉर एग्जाम्पल बस हुए, कोई भी तनाव हुआ, परेशान होगा, फ्रस्ट्रेशन हो गया, हम बोलते ना हमारे घर के लोगों को, अरे यार भाई आपका तो दिमाग खराब हो गया, ये हो गया, जस्ट वी वॉन्ट टू, कोई नहीं कर सकता, वो सुन लेंगे आपको, बट उन लोगों तक ये बात पहुंचाना, अपने माता पिता जो खुद अपने आप में कई हमें खुशियां देने में व्यस्त है, वो प्रार्थना करने व्यस्त है, उनको हम डाल देते हैं बोल के, उनको तनाव में ला देते हैं, ये गलत बात है। मैं तैयार हूं, एनी टाइम यू कैन गिव मी कॉल, मैं आपका कॉल पिकअप करूंगा, अगर नहीं पिकअप किया तो मैं पलट के आपको लगाऊंगा। तो अपने माता पिता भाइयों से कोई समस्या बोलने के पहले, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं आपके काम आ सकता हूँ, जस्ट गिव मी कॉल। पूरी विश्वास रखें कि जब एक बेटी के रूप में आप बातें करेंगे, एक बात करेंगे तो एक पिता बात करेगा, एक माँ बात करेगी, और एक जब बहन के रूप में बात करेंगे तो एक भाई याद बात करेगा, और एक दोस्त के रूप में बात करेगा तो वही एक मार्गदर्शक दोस्त याद करेगा। कभी ये नहीं सोचना मैं आप जैसा हूं, एक मेरा भी एक परिवार है जैसा आपका परिवार, मेरा तो बहुत परिवार बहुत बढ़ गया, मैंने अपने आप को सीमित नहीं रखा है छोटे से परिवार में कि मेरी पत्नी दो बच्चे चार पांच, मेरा तो पूरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरे सामने बैठा है, कोई अलग अलग मेंबर सदस्य मेरा बार बार कभी कभी काफी टाइम बाद आता है, मैं उसको देख के बोलता हूँ अरे यार कहाँ थी भैया, ये सब आप लोगों के साथ भी हुआ। ओके, सो टुमारो वी डू द ऑल द थ्री डेप्थ मेडिटेशन, कीप द फेथ, बी विथ योरसेल्फ, आई एम विथ यू इफ यू आर विथ यू, अगर आप अपनी दर्द पीड़ा के साथ हैं मैं आपके साथ हूं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो चीज से मुक्त हो आप। बस मेरे एक ही आपसे निवेदन है, ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी संपदा दी है, बस चेहरे पर सदा मुस्कान रखें, तनाव वाली बात कोई भी आए तो 9826070286 नंबर लगाएं, गुरु जी ये हो गया, आई एम रेडी टू हेल्प, ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, कल हम मिलते हैं 8:30 बजे एक नए दर्शन के साथ और एक नए ध्यान के साथ, सभी